रायबरेली छत्रपति शिवाजी के शौर्य पर आधारित जाड़ता राजा के लखनऊ में प्रस्तावित भव्य मंचन को लेकर रायबरेली में व्याख्यान का आयोजन किया गया। लखनऊ में इसका मंचन 26 से 31 अक्टूबर तक होगा। इसी मंचन की भव्यता और ऐतिहासिकता से जुड़े रहस्यों को खोलते हुए यहाँ वक्ताओं ने छत्रपति शिवाजी के जीवन के कई रहस्यों को उजागर किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व भाजपा के विधायक अशोक कोरी व अदिति सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष गौतम ने इस मंचन की विशेषता बताते हुए कहा कि इसमें सभी कलाकार स्वेच्छा से जुड़े हैं और इसका मंचन देश विदेश समेत कई राज्यों में किया जाता है। जड़ता राजा शिवाजी के जीवन पर एक महानाट्य का आयोजन है। इसमें शिवाजी के ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, शिवाजी ने कैसे लोगों को संगठित किया है, शिवाजी ने कैसे समाज में विषमता को खत्म किया है, जिस तरह से उनको अपमानित करने का बारंबार काम होता है। खुशवंत सिंह इंदिरा गांधी के सलाहकार थे और वो छत्रपति शिवाजी को चोर कहते थे। छत्रपति शिव अफजल खान की जो कब्र है उसका सौंदर्यीकरण का काम उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में होता है। औरंगजेब की कब्र पर जो है वो वैसी जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह जो है विश्वासघातियों राष्ट्रद्रोहियों को आप अपना आदर्श नहीं मान सकते हो, बल्कि आप अपना आदर्श मानेंगे जो मानवता की सेवा के लिए संकल्पित व्यक्तित्व है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।